भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ी जाति मोर्चा जिला अध्यक्ष चितरंजन साव ने कहा है कि हेमंत सरकार ने जानबूझकर भाषा विवाद को पैदा किया है, विकास के मुद्दों से राज्य की जनता को ध्यान भटकाने की साजिश की है, राज्य में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, लोग पलायन कर रहे हैं। उन्होंने हेमंत सोरेन पर जनता को झांसा देकर वोट लेने का आरोप लगाया। उन्होंने जन समस्याओं को लेकर भी आंदोलन करने की धमकी दी है और कहा है कि अब 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर आंदोलन का ऐलान किया जा रहा है और जब तक सरकार इस मांग को पूरा नहीं करती है आंदोलन आगे भी चलता रहेगा। आज भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा 50 उत्तरी मंडल की प्रथम कार्य समिति बैठक की गई है। इस कार्य समिति में बैठक में हम लोग कार्य समिति होता है कि लेखा जोखा कौन कौन आए हैं, कौन पदाधिकारी आए हैं, यहाँ सभी का उपस्थिति रहा है। इस बैठक में हम लोग चर्चा भी ये किए हैं कि जो हम लोग ओबीसी मोर्चा का 27% आरक्षण को लेकर हम लोग का आबादी है 52% से भी ऊपर है, हर 3 व्यक्ति के बाद एक के ओबीसी मोर्चा कहलाते हैं। हमारे देश के भी प्रधानमंत्री जो हैं वो ओबीसी से आते हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी ओबीसी से आते हैं। उसके बावजूद हमारे झारखंड में यानी 52% ओबीसी के रहने के बावजूद भी 27% आरक्षण नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा 50 नगर उत्तरी की पहली कार्य समिति बैठक हुई जो भोजपुर कॉलोनी शिव मंडप में कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में हम लोग किन किन मुद्दों मतलब कार्यों में हम लोग सभी जितने कार्य समिति के सदस्य हैं सभी लोग आकर इसमें चर्चा किए और हम लोग का ये सफल कार्यक्रम हुआ जिसमें हमारे मुख्य रूप से ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष चंदन साव जी, हमारे उत्तरी के प्रभारी चंदन जी एवं और भी गणमान्य वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित हुए और ये सफल कार्यक्रम रहा, जिसके लिए मैं सभी भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा एवं मेन मोर्चा के कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं।